हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शंभू शांडिल्य एंड आई जॉइंड आकाश इन क्लास 10th फॉर फाउंडेशन कोर्सेज। आई कंटिन्यूड इट इन क्लास 11th एंड 12th फॉर जेई एडवांस एंड मेंस। आई हैव स्कोर्ड 46 मार्क्स इन IOQM। आई जॉइंड आकाश बायजूस इन क्लास 10th फॉर फाउंडेशन कोर्सेज एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्कूल बोर्ड एग्जाम्स एंड अदर ओलंपियाड्स लाइक NTSC, NSCJS, NSEA एंड IOQM। हियर द मटीरियल आकाश इज वेरी गुड and the faculty is excellent. They help you in training for all the subjects, especially for maths. Akash has helped me to excel in maths and also excel in the astronomy olympiad. For board exams, Akash helped me to crack board exams and get 96%. I gave about 2 to 3 hours for IOQM preparation away from my JEE studies, as you see that JEE preparation also takes a lot of time. And getting time out of it is very tough. So I try to give a minimal amount of time for my IOQM preparation, that is 2 to 3 hours. Preparation for IOQM boosted my confidence in a lot of ways. First of all, it helped me to understand and tackle the problems of JEE mathematics more effectively. IOQM also helped me in understanding the concepts of physics and chemistry, as it developed my calculation speeds and also my way to understand the things. In IOQM, I built the basics in class 10th by the foundation courses and the building upon them in class 11th and 12th. IOQM is a tough exam and you do not expect to score 80 or 90% in this exam. In IOQM, mainly the tough topics are number theory and combinatorics. Geometry is a bit easy, but not that much easy. In number theory, most of the difficult question comes from congruences and Diophantine equations and also base numeral systems. For that you need to prepare well for number theory. And in combinatorics, most of the difficult questions are from recurrence relations and normal counting systems. IOQM qualify karne ke liye aapko daily padhna padega, aur daily ka matlab roz koi apna target set karna padega aur din ke ant tak usko achieve karna padega. IOQM ke liye aapko regular classes bhi attend karni padengi और अपने सारे डाउट्स क्लियर करवाने पड़ेंगे, और डाउट्स क्लियर करवाने में तो बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपका जो आज डाउट है वही कल पेपर में आ जाए। IOQM क्लियर करने के लिए आपको ढेर सारी किताबें भी लगानी पड़ेंगी और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। IOQM एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मेरे टीचर्स ने मेरी काफ़ी मदद करी। टीचर्स मैं सारे डाउट सॉल्व किया करते थे, किसी भी क्लास में जिस भी टॉपिक को पकड़ते थे उसको एकदम डीप तक समझाते थे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे। टीचर्स अगर मैं रेफरेंस बुक में कोई डाउट हुआ करता था तो वो भी बताते थे। टीचर्स के बनाए हुए असाइनमेंट्स और टारगेट्स बहुत इफेक्टिव थे IOQM प्रिपरेशन के लिए। जो मॉक टेस्ट थे वो तो एकदम ही IOQM टेस्ट जैसे ही लग रहे थे टीचर्स के बनाए हुए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो मैच भी कर गए थे असली एग्ज़ाम के साथ। IOQM का पेपर देते वक्त मैंने जब चालू करा तो सबसे पहले मैंने पूरा पेपर एक बार मैं स्कैन कर लिया और देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को आते हैं। पहले घंटे में मैंने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे जो मेरे को आते हैं, बाकियों के ऊपर अभी कोई ध्यान नहीं दिया। एक घंटे बाद जब मेरे से आया वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, तो मैंने अगले 1.5 घंटे उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया लाइन बाय लाइन जो मेरे से अभी नहीं हो रहे थे। जो मेरे से अब हो गए मैं उनको पूरा कोशिश करके ख़त्म कर दिया। आखिरी आधे घंटे के लिए मैंने वो क्वेश्चन जो मेरे से बिल्कुल ही नहीं हो रहे थे उन पर पूरा जोर दिया, उसमें से फिर जा करके भी मेरे 1-2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक क्वेश्चन सही करें और हर क्वेश्चन के बाद अपने सोल्यूशन को एक बार रिविजिट करें। इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर जाएंगे तो उससे आपका अच्छा स्कोर आने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई IOQM यू नीड टू पे अटेंशन ऑन टॉपिक्स लाइक सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी थियरी नंबर थियरी। इन कॉम्बिनेटोरिक्स यू नीड टू पे अटेंशन ऑन टॉपिक्स सच एज रिकरेंस रिलेशंस एंड वॉल बॉक्स प्रॉब्लम्स। These problems occur very frequently in IOQM and may help you to crack it.